इंडियन क्रिकेट टीम में ना ऋषभ पंत जैसा करेक्टर दूसरा कोई नहीं। देखिए पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज यू नो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। पर वाह भी बड़ा ही साथ निभाया, तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत यहां पर 20 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे और बड़ा ही कमाल का टेस्ट मैच खेला उन्होंने, बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं कहता हूं ऐसे और बहुत सारे रन बनाए यार, वो कॉन्फिडेंस खेल रहा था, क्रिकेट थोड़ी खेल रही थी, अबे ये कॉन्फिडेंस होता है, ये बूस्टिंग बोला यार, हम इनकी बजा देंगे भाई, हम इनकी बजा देंगे। सवा दो साल के बाद आ रहा है ना, उसके अब्बू निकल कर आए, ना उसका भाई निकल कर आया, ना उसके घर वाले कुछ कह रहे हैं, ना उसको उसके फैन जो सोशल क्लब चला रहे हैं यार अभी तो आया है, अभी तो आया है, अभी तो हूं, अभी तो। अरे घंटा उसने आया, उसने सेकंड मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं फुटेज दोबारा देख सकूं, जिस तरीके से इसकी गाड़ी गई है। और मेरे जाते हुए नो डाउट यार, सारे जानते हैं कि ये मिरेकल है, ये जिंदा बचा हुआ है, वो मिरेकल हुआ इसके साथ, ये जिंदा बचा। एक तो मेरेकल इसके साथ ये हुआ कि ये जिंदा बच गया, दूसरा मेरेकल इसने अपनी जात के साथ ये क्रिएट किया कि भाई साहब ये खड़ा हुआ, इसने हार नहीं मानी। वो फिर बात हुई है ना कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, वो क्या उसको कहते हैं, बैसाखियों पर फेर रहा है, ये वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हार नहीं मानी अगले ने। उन्होंने बोला कि ये नौजवान नस्लों को बताना चाहिए ये एग्जाम्पल देकर ऋषभ पंत की, कि आप पर कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे यू नो टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर उसी मकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे, मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और उसी मकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी आई है, वापसी हुई है, तो कमाल हुई है। और उसी मकरम इसलिए भी इंप्रेस है कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर है। उसी मकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। शानदार बल्लेबाजी और शानदार कमबैक के बाद जिस तरह ऋषभ पंत ने इंजरी के बाद पहले टेस्ट मैच में तबाहकुन बल्लेबाजी की और बांग्लादेशी गेंदबाजी को तहस नहस कर डाला अपने रिवायती अंदाज में, पाकिस्तानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भी ऋषभ पंत के शानदार बल्लेबाजी के तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद शामी भी ऋषभ पंत को लेकर उन्हें भारत का सबसे बेस्ट बैटर करार दे रहे हैं। तो चलिए पहले ऋषभ पंत के हवाले से द ग्रेट वसीम अकरम एंड मोहम्मद शामी का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। उसके बाद कमबैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा, that's a story to be told for the generations to generations in my opinion, to motivate young people of the world कि कमबैक हो सकता है जैसे पंत ने किया। उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स को मदद मिलने लगी, वहां पर सेशन बाय सेशन विकेट गिरने लगे और वहां पर बांग्लादेश की दिक्कतें शुरू हो गई। लेकिन कप्तान शांतो की अगर हम बात करें तो शांतो ने कमाल का 50 बनाया हुआ, और 50 ही नहीं अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहे थे, 82 रन उन्होंने बनाए, शाकिब अल हसन ने 26 रन बनाए। ये दो बैट्समैन ऐसे थे जो दोनों ओपनर्स के बाद थोड़े फाइट करते नजर आए बांग्लादेश के लिए। लेकिन डे 4 पर अश्विन को इंट्रोड्यूस किया गया और अश्विन ने उनके लोअर ऑर्डर को बिखेर कर फेंक दिया, वहां पर अकेले ने साफ कर दिया। अगर हम बात करें अश्विन की, तो अश्विन ने यहाँ अपना 37वां 5 विकेट हॉल हासिल किया है और बांग्लादेश को वहां पर ढेर कर दिया। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 234 रन पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश और 280 रन से ये मैच हार गई। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा यहाँ पर। अगर यहाँ पर अश्विन की बात करें तो बड़ी कमाल की बॉलिंग और बैटिंग की है इस मैच के अंदर। भारत ने 1-0 से बढ़त बना लिया, लेकिन अश्विन की अगर हम बात करते हैं तो 37वां 5 विकेट हॉल हुआ है, जो शेन वॉन की बराबरी कर ली है वहां पर। अब उनसे एक ही बॉलर सबसे आगे है जो 67 times 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, वो है मुथैया मुरलीधरन। अब अश्विन के सामने एक ही प्लेयर है, एक ही बॉलर है जो 67 टाइम्स 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, अब वही एक उनका टारगेट है। और अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच की, तो इस टेस्ट मैच में बॉल वाला रहा है स्पिनर्स का, आप चाहे बैटिंग करें आप चाहे बॉलिंग करें, तो दोनों तरफ से बैटिंग और बॉलिंग स्पिनर्स की इंडियन टीम ने कमाल की है। अगर हम बात करें जडेजा और अश्विन की, तो 6/88 इसमें फिगर रहा है और 3 विकेट जडेजा के नाम रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के बैटर्स को फंसा कर डाला है इन दोनों ने और मैच को उनके हाथों से बड़ी आसानी के साथ अपना विनिंग टारगेट की तरफ ले गए हैं। और यहाँ पर इसी शानदार बॉलिंग की बदौलत इंडिया ने मैच को जीता और 1-0 की बढ़त बना ली। अगर हम बात करें अश्विन की, तो यहाँ पर बात की जा रही है प्लेयर ऑफ द मैच की, कितने मैचेस में कौन कितने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। तो अश्विन ने 101 मैच में 10 बार अपने नाम किया है प्लेयर ऑफ द मैच। अश्विन चले, जडेजा चले,
पंच चले हल्के फुल्के, जयसवाल तो चल ही रहा है, वो तो रुक ही रहा ही नहीं, वो नॉन स्टॉप चलेगा, वो चलता रहेगा, वो मारता रहेगा, ठीक है। फिर नीचे अगर आ जाए बुमराह, एक्सेप्शनल, उसका पता ही है कि जहां उसको रेगिस्तान में दुबई में भी खिला दो, शहरा में वो दंदराता घूमता रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो पकड़ा इंडिया ने अपनी बॉलिंग से पकड़ा, पहले बैटिंग से और उसके बाद बॉलिंग से, जो कि अश्विन ने आज, मैं अश्विन को खासतौर पर इसलिए सुना कि यार ये वो आदमी है जिसने अपने दुख का इजहार किया था पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। वजह ये है कि पाकिस्तान हमारे पास है क्या, हमारे पास इफ्केन काश रह गया, हमारे पास ना तो बल्लेबाज रहा, ना लाउंडर रहा, ना बॉलिंग ऑलराउंडर रहा, ना बॉलर रहा है, हमारे पास सारे वर्ल्ड क्लास है, और भी भाई है, वर्ल्ड क्लास भाई है ये, ठीक है। तो अश्विन ने अपने दुख का इजहार किया कि भाई ये भाइयों को देख लिया मैंने, इनके वर्ल्ड क्लास भी देख लिया मैंने, इनका स्टेटस अब इस कदर गिर गया कि बांग्लादेश इनके मुंह को आ रहा है, मुंह को क्या आ रहा है, मुंह तक डाल के जा रहा है। तो बात यह है कि यार दुनिया में जो लोग क्रिकेट पाकिस्तान की पहचान बनती थी, क्रिकेट से बनती थी, वो लोगों में सबसे ऊपर नजर आया अश्विन, जिससे अपने पॉडकास्ट किया खास तौर पर, उसका इजहार किया उसने, कोई उसको टीआर भी चाहिए, उसको क्या व्यूज चाहिए, उसको क्या चाह रहा था, 1 मिलियन लोग देख ले उसको, उसे बोला नहीं यार मेरी कहीं ना कहीं लर्निंग में आते हैं वो लोग, मैंने भी अपने करियर में, जो उसने बताया कि इन चेन्नई के इन स्टैंड्स में जो बन गए, मैंने हजारों दिन गुजार दिए इधर, हजारों दिन गुजारे यहाँ पे बैठ के, मैंने मैचेस देखे, कई कई इंटरनेशनल मैचेस देखे मैंने बैठ के। ये सक्सेस जो है वो एक दिन का काम थोड़ी है, ये सक्सेस के पीछे कम से कम 20-22 साल लगे भाई उसके। तो बांग्लादेश के खिलाफ उसने विकेट लेकर ज्यादा चौड़ा नहीं, वो उछल कूद नहीं मचाई उसने, तामुल मिजाजी भी पेशेंट, आराम से बताया उसने कि यार यूं है यूं है यूं है यूं है, बस इसके बाद हमने विकेट ले ली। मैं भी 4-5 दिन का इंतजार कर रहा था। तो यार पहली प्रायोरिटी तो उसकी बॉलिंग है, जो उसके उसने खुद कहा, उसने बोला यार रन तो मार दिए मैंने, मगर मेरी कोशिश ये होती है कि बॉलिंग में कुछ ना कुछ करूं। और ऐसे ही कुछ गंभीर ने कहा कि यार हमें भी कम से कम आखिरी 2 दिनों का था, हमें अंदाजा था कि यार कहीं ना कहीं हमारे स्पिनर्स हमें गेम में लेकर आ जाएंगे। तो यार ये होता है एतमाद, यहाँ पर ये नहीं होता काश वो कर ले, है इमेजिन कर लो, ठीक है इफ हो जाए, ठीक है तुम तो अगर इन्हीं चक्करों में रहता रहेगी टीमें तो भी टीम थोड़ी बन पाएगी। हमारे पास तो सारे 12 नंबर के बाने एक दूसरे की नट खोलते रहते बैठ के, भैया उधर टैलेंट खेलता है, बांग्लादेश टैलेंट लेके उतरा था, इसलिए इंप्रेसिव था, इसलिए मारमूर के बाद जब वो पहुंचा इंडिया तो उनको भी कंसर्न हुआ कि नहीं यार ये जीते हुए आ रहे, कुछ तो इन्होंने भी खेला ही होगा ना, भले दूसरे वाले अब जानबूझ के आ जाए, मगर ये तो कुछ ना कुछ खेलकर आ रहे ना यार। फिर उधर बांग्लादेश के साथ सक्सेस भी गई थी, नाहिद राणा गया था, हसन गया था, फिर उसके बाद लिप्टन गया था, फिर उसके बाद सेंटू गया था, फिर मुश्रिक के डबल आए हुए थे, तो वो तो एक पैकेज में परफॉर्मेंस देकर आए हुए थे। तो यहाँ यकीनन चेन्नई में रेड सॉइल पिचेस कितना छोड़ता, रेड सॉइल अब हुआ क्या, हुआ ये 280 रन जो कि इंडिया की अपनी बांग्लादेश के अगेंस्ट सबसे बड़ी जीत है हाल में टेस्ट क्रिकेट। नाहिद राणा कहीं दिखा, यंगस्टर है हमारी, उसके साथ दुआएं हैं, किसी ने कहा उसको वर्ल्ड क्लास है, उसने महमूद को किसी ने गोद में उठाया है क्या? नाहिद राणा ने क्या परेशान कर दिया दूसरी इनिंग में इंडियन बैटर्स को, क्या पंत को आउट कर दिया, क्या बॉलों में चिप डाल के हिला दी बॉल, क्या कर दिया। तो कहने की बात यह है कि भाई क्रिकेट अनसर्टेनिटी का खेल है, था और रहेगा भी, ये जो अश्विन और जडेजा को अगर आप देखेंगे ना बैटिंग को, हैरत में मत हो, जडेजा का डोमेस्टिक क्रिकेट बताते हैं 3 ट्रिपल मार रहे हैं, अश्विन का भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो कॉन्फिडेंस खेल रहा था, क्रिकेट थोड़ी खेल रही थी, अबे ये कॉन्फिडेंस होता है, ये बूस्टिंग बोला यार, हम इनकी बजा देंगे भाई, हम इनकी बजा देंगे। 2.5 साल के बाद आ रहा है ना, उसके अब्बू निकल कर आए, ना उसका भाई निकल कर आया, ना उसके घर वाले कुछ कह रहे हैं, ना उसको उसके फैन जो सोशल क्लब चला रहे हैं यार अभी तो आया है, अभी तो आया है, अभी तो अभी तो, अरे घंटा उसने आया, उसने सेकंड इनिंग बोला था, उसने कहा मैं अपने कॉन्फिडेंस में खेला हूं, अबे वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो अपने कॉन्फिडेंस को शेयर कर रहा था। तो ऋषभ पंत के 109 रन की इनिंग्स के बाद इस वक्त ऋषभ पंत पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बने हुए हैं। जिस तरह इंजरी के बाद शानदार कमबैक किया ऋषभ पंत ने, ओह तो देखने वाला था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने जिस तरह की जारहाना इनिंग्स के लिए, जिस तरह बासित अली कहते हैं कि ऋषभ पंत के सामने डिफेंस का तरीका अटैक है, वह अटैक करके जो अपना डिफेंस है वह करते हैं और मुखालिफ गेंदबाजी को तहस नहस करके रख देते हैं। जिस एक वक्त में वीरेंद्र सहवाग ऐसा करते, अगर पहली गेंद भी वीरेंद्र सहवाग को मिल जाती तो उसे यू मारकर चौका और छक्का लगा देते थे। तो ऋषभ पंत भी उसी जो वीरेंद्र सहवाग का तरीका है उसको अपनाए हुए है, और इंजरी के बाद जिस तरह शानदार कमबैक किया है, उसी मकरम ने उसको स्पेशल गाय करार दे दिया है कि ऋषभ पंत एज अ स्पेशल टैलेंट वह बहुत जल्द तीनों फॉर्मेट्स पर राज करेगा और भारत का सबसे खतरनाक और डेंजरस जो बैटर है वह ऋषभ पंत होगा। मोहम्मद शामी भी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं कि ऋषभ पंत एज द इस वक्त जो है वह सबसे खतरनाक बैटर है अगर कहा जाए दुनियाई क्रिकेट की, क्योंकि वह तीनों फॉर्मेट्स में रन कर रहे हैं, मुखालिफ टीम पर अटैक कर रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स के लिए वो एक शानदार और
नाकाबिल यकीन इन थी, जिसको लेकर आपने ये रिएक्शन देखा पाकिस्तानी मीडिया है ना दीगर मोहम्मद शामी का। तो क्या कहना था पाकिस्तानी मीडिया का, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी पर अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।